आप देख रहे हैं दैनिक दर्पण टुडे और मैं आपके साथ रेणु चौहान। बेरमो एसडीएम के आदेश पर फुसरो के 3 मिठाई बनाने वाले दुकान पर छापा। एसडीओ प्रेम रंजन के आदेश पर गुरुवार को फुसरो बाजार के 3 मिठाई बनाने वाले दुकान पर छापा मारा गया। छापेमारी दल का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा अधिकारी अपूर्वा मिज एवं बेरमो अनुमंडल के सहायक अभियंता अरविंद कुमार ने श्रीमती मिंज ने बताया कि एसडीएमओ बेरमो के निर्देश पर छापेमारी हो रही है। श्रीमती मिंज ने बताया कि मिठाई बनाने में इंडस्ट्रियल कलर का उपयोग हो रहा है जो जीवन के लिए हानिकारक है। उन्होंने कहा कि सूचना मिली थी कि नकली खोवा व छेना से मिठाई बनाया जाता है। उन्होंने कहा कि दूध से बनने वाली मिठाई का सैंपल लिया है, 2 सप्ताह में रिपोर्ट आने पर कार्यवाही की जाएगी। छापेमारी की खबर जब फुसरो बाजार में व्यवसायी तक पहुंची तो यह जंगल की आग की तरह फैल गई। मिठाई दुकानदारों द्वारा शटर गिराकर भाग खड़े हुए श्री मिंज ने कहा कि फुसरो बाजार सहित क्षेत्रों में छापामारी का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। क्षेत्र के आम लोग अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम रंजन के द्वारा जनहित में की गई उपयुक्त कार्यवाही की लोग सराहना कर रहे हैं। एसडीएम से लोगों को काफी अपेक्षाएं हैं। जहां छापेमारी हुई है वह काशी विश्वनाथ मार्केट के पास के विनय मोदक, न्यू देवघर, पेड़ा एवं पवन होटल की दुकान है। श्रीमती मिंज ने बताया कि दीपावली के समय में पान मसाला, विमल बहार, रजनीगंधा को जप्त कर जांच के लिए भेजा गया था। जांच में उसे जीवन के लिए असुरक्षित पाया गया। उन्होंने बताया कि देसी प्लस दूध और कमला पसंद सबस्टैंडर्ड्स व हानिकारक बताया गया है। हालांकि यदि खाद्य पदार्थ को जांच में सब स्टैंडर्ड पाए जाने पर 3 लाख और असुरक्षित पर 6 महीने का कारावास और 5 लाख तक का जुर्माना भी है। कितने जगहों पर छापा पड़ा है मैडम ये फूड विभाग? आज हम लोग 3 जगह पर छापामारी किए हैं। बेरमो रीजन में जितने भी हैं दुकान प्रतिष्ठित जहाँ पे मिठाई बन रही है, सब जगह हम लोग छापेमारी किए हैं। उसमें बहुत से दुकान ऐसे हैं जो कि इंडस्ट्रियल कलर यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल कलर नहीं यूज़ करना है, जो गाय छाप कलर आता है बहुत लोगों को नॉलेज नहीं है, फिर भी वो लोग यूज़ कर रहे हैं, वो जान के लिए बहुत घातक है, तो उसे ना यूज़ करें। मेरी यही सलाह रहेगी, आप लोग भी दुकान जाते हैं तो आप लोग भी सचेत रहिए और देखिए कि उन लोग क्या बना रहे हैं, किस तरह से बना रहे हैं। आप लोग भी जागरूक रहिए और कभी भी दुकान में जाएं हमेशा लाइसेंस नंबर ज़रूर देखें उनके काउंटर पे, उन लोग लाइसेंस लिए हैं नहीं लिए हैं। आप लोग की भी जिम्मेदारी होती है कि आप लोग देखें, आप लोग पूछें। अभी तक जो टेस्टिंग के लिए ले जाया जा रहा है यहाँ से, इसकी पुष्टि कब तक हो पाएगी? इसकी पुष्टि 2 सप्ताह में आ जाएगा रिपोर्ट, तब आप लोगों को बता दिया जाएगा। क्या क्या जाँच की है मैडम? आज हम लोग नमूना लिए हैं, जितने भी मिठाई का है, खोआ का खोआ नमूना है, मिठाई नमूना है और पेड़ा पेड़ा लिया है ना, मिल्क केक लिए हैं। दूध का भी है? नहीं, दूध का नहीं। कितने दुकान का लिया है? दूध का नमूना नहीं है, दूध का जो भी मिठाई बनता है वो उसका नमूना। कितने दुकान के लिए हैं? 3 दुकान से लिया है। शायद कोई बंद भी मिला था क्या? हाँ, कुछ दुकान हम लोग गए थे देखने के लिए, वो बंद हो गया था। पूरा नाम क्या? अपूर्वा मिंज।